सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप लोग देख रहे हो मोटर बुल का एक और वीडियो। तो भाई वीडियो में मैक्सिमम टाइम आप लोगों को बलिनो देखने को मिलती है, आज भी आप बलिनो देख पा रहे हो, लेकिन आज कुछ नया है यार। क्या है, हम इस कार से करने वाले ऑफ रोडिंग। आप लोगों को पता है मैं कुछ दिनों से आ रखा हूँ भाई अपने गाँव में, यानी कि हिल्स स्टेशन भाई मैं आया हुआ हूँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अपने एक बड़े से ब्यूटीफुल से ब्लेज में। आप लोग देख पा रहे हो भाई ये मेरा गाँव है। सो आज एक्चुअली हम इस कार से करने वाले हैं भाई थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग, और देखने वाले हैं, टेस्ट करेंगे इस कार का कि किस लेवल की ऑफ रोडिंग अपनी बलिनो कर लेती है, ठीक है, कैसे रोड्स पे आप इसे ले जा सकते हो, कैसे रास्ते होने वाले हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं ये भी आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। तो भाई आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत से दूर, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ऊपर अगर आपको विजिबल हो पा रहा होगा एक टेम्पल आपको दिख रहा है भाई इस तरफ, ठीक है, इस तरफ भाई एक टेम्पल है वाइट सा, तो वो वहाँ तक तो खैर गाड़ी नहीं जाती, लेकिन उससे नीचे भाई एक रोड है वहाँ कार जाती है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा कच्चा है, टूटा फूटा है, पानी भी होगा, मड भी होगा, सब कुछ मिलेगा हमें उस रोड पे। तो वहाँ जाएंगे अपनी बलिनो लेकर के और वहाँ पे करेंगे भाई ऑफ रोड इस गाड़ी से, और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसी अपने हिल्स पे चलती है। माइलेज की तो भाई आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि माइलेज आपको अच्छी देने वाली है, बिकॉज भाई क्या होता है ना, मेरा अभी बेसिकली जितने दिन से मैं घर आ रखा हूँ उन दिनों से भाई, उन दिनों में मेरा चलना फिरना है भाई बेसिकली दो ढाई किलोमीटर आर पार इधर उधर जाना होता है। तो भाई उसमें क्या होता है ना कि एवरेज नहीं अच्छा देती है गाड़ी, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है यार, जब तक आप एक अच्छी खासी जर्नी नहीं क्रॉस करोगे, बढ़िया से गाड़ी को नहीं रन करोगे 50-60 किलोमीटर, तो एवरेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कार से। सेम मेरे साथ भी है भाई, लेकिन आज ओनली ऑफ रोडिंग टेस्ट इस गाड़ी का होने वाला है, कैसी ऑफ रोड में ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है सब आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं उस जगह पे और उन रोडों पे, भाई बहुत डेंजर रोड है यार, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पता चलेगा कि अपनी बलिनो क्यों बाय करनी चाहिए। कम ग्राउंड क्लियरेंस है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 170 mm क्या सही ग्राउंड क्लियरेंस है पहाड़ों पे भी चलने के लिए, लेकिन हम दो ही लोग इस गाड़ी में जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज यार रोड थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा लेकिन नहीं जाएंगे, लेकिन दो लोगों के साथ कैसी चलती वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाने वाले हैं। तो भाई बने रहें वीडियो के साथ। सो भाई ये भाई रोड कुछ ऐसा, और हम इस पर जा रहे हैं, ठीक है भाई, देख सकते हो आप कितना कच्चा रोड है, और इस पे बलिनो भाई अपनी चढ़ा रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल की रोड है भाई, कच्चा है भाई बिल्कुल, ठीक है, एकदम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मतलब यार क्या ही बोले, कुछ भी नहीं है भाई आगे, ठीक है, उसके बावजूद भी हम कार को आराम आराम से इस पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ठीक है, और चढ़ रही है यार आराम से, देख पा रहे होंगे भाई आप लोग, ठीक है, देखो भाई बॉडी नीचे नहीं लगनी चाहिए गाड़ी की, इस हिसाब से कार को चलाना है, और देखना भाई कहाँ से निकलेगी, जैसे यहाँ पे भाई मैंने देख लिया, यहाँ से गाड़ी आराम से निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है भाई, देख सकते हो आप। ऑफ रोडिंग यार मतलब इसको कहते हैं यार ऑफ रोडिंग, और बलिनो जैसी गाड़ी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की ऑफ रोडिंग है, देख सकते हो आप, ठीक है भाई,